हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आती है भैया कैनरा बैंक की तरफ से। क्या है अपडेट वो तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर विस्तार से। और अगर ये अपडेट आपने नहीं किया, अगर इस चीज को आपने थोड़ा लाइटली लिया, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट ट्रांसफर के अंदर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलेगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको बिल्कुल समय पे मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कैनरा बैंक की अपडेट जो कि आ रही है, वो क्या अपडेट है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं अगर आपने ये अपडेट नहीं कराई तो। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि कैनरा बैंक जो कि है सिंडिकेट बैंक के साथ में मर्ज हो गया था। कुछ मैं सबसे पहले बात करूं तो 4 मार्च 2020 को, अगर आपको याद है तो 4 मार्च 2020 यानी लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन एक बड़ा अपडेट आया था बैंकिंग सेक्टर का। वो ये था कि जो देश के बड़े बैंक्स हैं उनके अंदर देश के जो छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा। वो कौन कौन से बैंक थे, कौन कौन से बैंकों में वो मर्ज हुए, वो तो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ पे मेगा मर्जर के नाम से इस डिटेल, इस चीज को, इस टॉपिक को कवर किया गया था कि इंडियन हिस्ट्री के बैंकिंग सेक्टर में हुआ सबसे बड़ा मर्जर जो कि हुआ था 4 मार्च 2020 को। और दोस्तों ये अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक का जो मेगा मर्जर हुआ था वो कब हुआ था। तो डेट आप याद रख सकते हैं 4 मार्च। बस आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि आपका बैंक इस सेक्टर के अंदर आता है या आपके बैंक के साथ में क्या हुआ था, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। सबसे पहले बात करें, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन बैंक के साथ में मर्ज हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाहाबाद बैंक। जो अलाहाबाद बैंक के कस्टमर थे, अब उनका जो बैंक हो गया, अलाहाबाद बैंक अब नहीं रहा, अलाहाबाद बैंक जाकर के मर्ज हो गया है इंडियन बैंक के अंदर। अब जो इंडियन बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो तो इंडियन बैंक के कस्टमर हैं ही है, लेकिन जो अलाहाबाद बैंक के जो कस्टमर है अब वो किस बैंक के कस्टमर है, वो है इंडियन बैंक के कस्टमर। ठीक उसी तरीके से जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, अब वो बैंक खत्म हो गया है। जहां जहां पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था आपने देखा होगा एक नया होर्डिंग वहां पे लगा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का साइन बोर्ड लगा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड वहां पे लगा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप देखिए कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ है। इसी तरीके से जो सिंडिकेट बैंक था, अब सिंडिकेट बैंक खत्म हो गया, सिंडिकेट बैंक जाकर के मर्ज हो गया कैनरा बैंक के अंदर। और कैनरा बैंक अब जो सिंडिकेट बैंक के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, अब उनके लिए एक अपडेट आया, उसी अपडेट के बारे में मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। साथ के साथ में अगर मैं बात करूं तो यूनियन बैंक के साथ जो मर्ज हुए थे वो था आंध्रा बैंक, और कॉरपोरेशन बैंक जो थे वो मर्ज हो गए थे किसके साथ में, आंध्रा बैंक के साथ में। तो ये तो कुछ ऐसे बैंक्स थे जो कि मर्ज हुए, ठीक है। कौन से बैंक में मर्ज हुए, देखिए इंडियन बैंक में मर्ज हो गया पीएनबी में, कैनरा बैंक के अंदर और यूनियन बैंक के अंदर ये मर्ज हुए, ठीक है। ये जो नीचे वाले बैंक है ये जाकर के इनसे जुड़ गए और इनका नाम हो गया, अब जैसे कि ओबीसी जो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था उसका नाम हो गया पीएनबी, जो सिंडिकेट बैंक था उसका नाम क्या हो गया, कैनरा बैंक। बहुत सारे लोगों को इस मर्जर के बारे में नहीं पता, बस तो इतना समझ लीजिए कि आपका जो बैंक हुआ करता था, अगर आपका अलाहाबाद बैंक था तो आपका अब बैंक का नाम क्या हो गया, इंडियन बैंक हो गया। पीएन अगर आपका बैंक ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अकाउंट था तो अब आपका अकाउंट पीएनबी में है, सिंडिकेट बैंक में अगर आपका अकाउंट था तो आपका अकाउंट अब कैनरा बैंक के अंदर है। ठीक उसी तरीके से कॉरपोरेशन या आंध्रा बैंक में आपका अकाउंट था तो अब आपका अकाउंट जो है यूनियन बैंक के अंदर है। इतनी सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये सारी का सारा बैंक मर्जर का प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में चेंजेस हुए कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सिंडिकेट बैंक के कस्टमर्स के लिए एक अपडेट है, जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो जाएगा, कब से हो जाएगा वो भी बताऊंगा। तो ये अपडेट सिर्फ कैनरा बैंक के कस्टमर्स और सिंडिकेट बैंक के कस्टमर्स के लिए ही है। इन सारे बैंकों का बस मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको ये बैंक मर्ज हुए थे, इनके लिए भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट करें, और बहुत ही जल्दी इनके ऊपर भी वीडियो हम लेकर के आएंगे अपने मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल पे। सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो आईएफएसआई कोड यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आपका चेंज हो गया। अगर आप पुराने बैंक के कस्टमर हैं, सिंडिकेट बैंक के कस्टमर हैं, अब आपका जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो जाएगा। आईएफएससी कोड किस तरीके से यूज किया जाता है और किस काम के लिए यूज किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आईएफएससी कोड होता है भैया मनी ट्रांसफर के लिए, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आपका एक बैंक इस बैंक के अंदर आपका खाता है, ठीक है, इस बैंक के अंदर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है ना।
इस बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ये पैसा ऐसे ही नहीं चला जाएगा, इसको चाहिए होगा आईएफएससी कोड। ठीक है, आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर तो चाहिए ही चाहिए, साथ के अंदर आईएफएससी कोड चाहिए होता है। अकाउंट नंबर से ये पता चलता है कि आपका खाता कौन से बैंक में है, ठीक है ये पता चल जाएगा, लेकिन आईएफएससी कोड से पता ये चलता है कि आपका खाता कौन सी ब्रांच में है। तो आईएफएससी कोड आपको जरूर से चाहिए होता है मनी ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपका कोई भी पैसा आता है, मान लीजिए आपका कोई भी, अगर आपका मान लीजिए कोई सैलरी क्रेडिट होती है तो भी आईएफएससी कोड के थ्रू होगी। ठीक है, आपका कोई पेंशन का पैसा आता है तो भी आईएफएससी कोड, कोई सब्सिडी आपकी आएगी तो भी आईएफएससी कोड से, यानी कहीं से भी अगर आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट के अंदर वो आईएफएससी कोड के माध्यम से ही होगा, आईएफएससी कोड के थ्रू ही होगा। अगर आईएफएससी कोड अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो वहां पे हो क्या सकता है कि आपका जो खाता है उसके अंदर जो आपका क्रेडिट होने वाला अमाउंट है वो नहीं होगा। कब से नहीं होगा वो भी बात करेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि फ्रॉम व्हेन इट विल चेंज। ठीक है, तो जो डेट है कब से ये चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 जुलाई से। ठीक है ना, 1 जुलाई से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 जुलाई से ये चेंज हो जाएगा। अगर 1 जुलाई से पहले अगर आप ये करा लेते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कराते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सफर करना होगा। अगर आपका पैसा आ गया है पुराने आईएफएससी कोड में और आपका वो आईएफएससी कोड इनएक्टिव हो गया तो वहां पे कई सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको केनरा बैंक की वेबसाइट पे जाना है और केनरा बैंक की वेबसाइट के जब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे वहां पे एक लाइन चल रही होगी कि सिंडिकेट बैंक कस्टमर्स आईएफएससी कोड, तो वहां पे आएंगे, वहां पे जाकर के आप जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन आएगा, उस पीडीएफ से जाकर के आप अपनी ब्रांच कोड डालेंगे जो भी आपका ब्रांच है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तिलक नगर ब्रांच है आपकी, सरोजनी नगर हो सकती है, ठीक है लक्ष्मी नगर हो सकती है, कोई भी ब्रांच हो सकती है, इंडिया के अंदर हो सकती है, ठीक है कहीं पे भी कोई भी ब्रांच है जो कि आप सिंडिकेट बैंक के कस्टमर्स थे, आप पहले सिंडिकेट बैंक के कस्टमर्स के लिए बता रहा हूँ, जो पहले ब्रांच हुआ करती थी है तो केनरा बैंक की भी ब्रांच वहीं पे, लेकिन अगर सिंडिकेट बैंक के कस्टमर है तो आपकी जहां की ब्रांच थी वहां से डाल करके आप सर्च कर सकते हैं और वहां पे आपको क्या क्या दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिखेगा यहाँ पे बैंक कोड, ब्रांच कोड, ठीक है ब्रांच कोड दिखेगा, आईएफएससी कोड दिखेगा आपको वहां पे, स्विफ्ट कोड भी आपको दिखेगा और भी कई सारी चीजें आपको वहां पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका मेजर कंसर्न क्या रहेगा, आईएफएससी कोड आपको अपडेट कराना होगा अपने बैंक के अंदर। आपकी कहीं से भी पेमेंट आती है तो आईएफएससी कोड आपको अपडेट कराना होगा, अगर आपको सैलरी आती है तो आपको बताना होगा कि आईएफएससी कोड मेरा चेंज हो चुका है बैंक का, तो ये मेरा नया आईएफएससी कोड है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं से पैसा भी आपका आ रहा है, सब्सिडी आ रही है, तो वहां पे भी आपको आईएफएससी कोड अपडेट कराना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, ठीक है आपको क्या आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत है, डू यू नीड टू विजिट इन अ ब्रांच, नो, ये सारे के सारे काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कोविड 19 को चलते देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि बैंक ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनमें से एक ये भी काम ऐसा ही है जो कि आप ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर क्या करना होगा आपको, आईएफएससी कोड अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आईएफएससी कोड अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहां से आपकी मनी ट्रांसफर होती है, पैसा जहां से ट्रांसफर होता है, वो हो सकता है कि पैसा आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर ट्रांसफर ना हो, तो इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर आप सिंडिकेट बैंक के कस्टमर्स थे, अब आपका अकाउंट केनरा बैंक के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको आईएफएससी कोड जो है वो चेंज कराना होगा हर जगह पे। आप वैसे तो पहले पासबुक के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अगर आप पासबुक आपको अपडेट करानी होगी उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आईएफएससी कोड से आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब सारी की सारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद आप ये सारी की सारी चीजों को दोबारा से पासबुक ले सकते हैं और वहां पे सारी की सारी जगह पे जाके आप अभी सबमिट करा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों सारा का सारा प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आने वाले 24 घंटे के अंदर हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की बैंक की अपडेट के लिए आप हमारे मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे डेली बेसिस पे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, घर में रहिए, सेफ रहिए और मास्क पहनना मत भूलिए।